नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। तो दोस्तों, अब आप सभी को पता है कि मैदान में जंग छिड़ेगी आप सभी की, और मैदान में जोहर दिखाने का समय है। हमने जो कलम से हमें ताकत दिखानी थी वो हमने ताकत दिखाई, और अब मैदान के अंदर हमें अपने जोहर को आजमाना होगा कितनी ताकत हम में है। तो इसी सीरीज़ में दोस्तों आज हम विशेष चर्चा करेंगे फिजिकल के ऊपर कि क्या क्या इसमें मापदंड है। सर, बच्चे तैयारी करना शुरू कर देते हैं लेकिन उन्हें एक्चुअली पता भी नहीं होता कि दौड़ कितनी है, कितना समय मिलेगा और क्या कुछ इस फिजिकल में होता है, क्या मापदंड है। तो सारे छोटी छोटी बड़ी से बड़ी आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। जो भी राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी हैं तैयारी करें फिजिकल की। कौन बच्चा फिजिकल में शामिल होगा उसके लिए मैंने कट ऑफ आपको बताई थी, उसके आसपास ऊपर नीचे है तो वो शामिल हो सकता है, वो वीडियोस बने हुए हैं। तो बार बार उन मुद्दों के ऊपर हम चर्चा दोस्तों नहीं करेंगे। आज हम फिजिकल के ऊपर काफ़ी अच्छी चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या मापदंड दोस्तों रखे गए हैं। तो आप लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि ये आपका काम बनता है, बाकी हमारा काम है आपको लास्ट तक लेके जाना सिलेक्शन तक, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा रिटर्न एग्जाम हो गया था, मैंने सारे मापदंड जो मेन चीज़ होती है वो लिख रखे हैं। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा हुई थी, यहाँ हम लिखते हैं दोस्तों लिखित परीक्षा। एक नंबर पे आपका जो रिटर्न हुआ था दोस्तों, ठीक है, एक एक चीज़ को समझें, रिटर्न हुआ था, लिखित परीक्षा दोस्तों आपकी हो चुकी है, लिखित परीक्षा दोस्तों आपकी हो चुकी है, जिसके अगर हम देखें तो दो पोस्टों के मान के चलेंगे। एक तो आपके दोस्तों सामान्य कॉन्स्टेबल और एक आपके चालक यानी ड्राइवर की पोस्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 75 नंबर का होगा, हो गया होगा क्या आपका, ये तो हो चुका है, यानी 75 नंबर का आप रिटर्न आपका हो चुका है, यानी जो कि नॉर्मल कॉन्स्टेबल हैं और जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो एलिजिबल थे उन दोनों का ही जो रिटर्न हुआ है वो दोस्तों 75-75 नंबरों का हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, 75-75 दोनों में इक्वल था रिटर्न का। तो अब बात करते हैं फिजिकल की। दो नंबर पर शारीरिक दक्षता की दोस्तों यहाँ पर बात आती है, शारीरिक दक्षता दोस्तों, शारीरिक दक्षता की बात होती है। तो यहाँ पर शारीरिक दक्षता के दोस्तों जो कि सामान्य कॉन्स्टेबल है उनको दोस्तों 15 अंक मिलेंगे, 15 अंक मिलेंगे दोस्तों। और यहाँ पर जो है चालक जो कि ड्राइवर है उसे 10 अंक मिलने वाले हैं। समझ में आ रही है आपको कि आप जो भाग दौड़ करोगे, जो रनिंग करने वाले, दौड़ करने वाले हो, उसके नंबर आपको यहाँ पर 15 नंबर मिलने वाले हैं। किसको, जो कि नॉर्मल कॉन्स्टेबल है, ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो एलिजिबल है उसे 10 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में एक और होता है आपका दक्षता परीक्षा होती है, दक्षता परीक्षा होती है आपकी, जो कि क्या होगा आपके सामान्य कांस्टेबल के लिए नहीं होती है। यहां पर क्रॉस का सिंबल, यानी सामान्य कांस्टेबल उन्हें दक्षता परीक्षा देने नहीं होती। कहने का मतलब ये हो गया जो चालक है उनके लिए होगी और उनके लिए वो 15 नंबर डिसाइड किए गए हैं। अब ये कौन से 15 नंबर है दोस्तों, शारीरिक दक्षता परीक्षा का मतलब है ड्राइवर यानी जो ड्राइविंग जो चालक है उनके लिए होगी, गाड़ी वगैरह चलाकर देखनी पड़ती है उसी बोलते हैं हम दक्षता परीक्षा, जो कि इसमें तो है नहीं क्योंकि इसमें तो ड्राइवर की पोस्ट है नहीं, ये तो नॉर्मल कॉन्स्टेबल है। ड्राइवर वालों के ये नंबर मिलने वाले 15 अंक, जो कि ये सिस्टम इसमें लागू नहीं है। तो 75 नंबर रिटर्न के, 15 दौड़ के हो गए। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो एक फोर्थ नंबर जो पार्ट है वो है एनसीसी होमगार्ड, एनसीसी होमगार्ड और आपका पुलिस संबंधी विशेष जो डिग्री है आपकी, पुलिस संबंधी विशेष योग्यता जो है, योग्यता उसके दोस्तों यहां पर 10 नंबर मिलेंगे। कितने अंक, 10 अंक मिलेंगे, लेकिन ये लागू नहीं होता है ड्राइवर के अंदर, ठीक है। यही है, समझ में आई दोस्तों कि भी अब देखेंगे ये कितने हो गए, 100 अंक का हो गया, 100 अंक यहां पे भी कितने हो गए दोस्तों, 100 अंक हो गए। अब ध्यान से सुनना, जो एनसीसी के 10 नंबर होमगार्ड पुलिस संबंधी विशेष योग्यता वो लागू चालक में नहीं होंगे, ड्राइवर की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है वो, उनमें नंबर नहीं काउंट होंगे, वो नंबर काउंट होंगे सामान्य कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। ध्यान रखना वो 10 नंबर उनके मिलेंगे आपको, दौड़ के आपको 15 अंक, रिटर्न आपका 75 अंकों का रहेगा और यहाँ पर कुल मिला के 100 अंक का होगा और इधर भी 100 अंक का होगा। 15 अंक जो दिए जा रहे हैं ये वो चेक करेंगे ड्राइवर की पोस्ट के लिए जिन्होंने भरा है उनके लिए क्या आती है कि नहीं आती गाड़ी चलाना, उनकी है ये क्या कैसे कुछ करेंगे। 10 अंक मिलेंगे किसके, रनिंग के यहाँ पर, और 75 अंक रिटर्न समान है। तो इस तरह से कुछ अंकों का भार रहेगा, यहाँ पर आप समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है दोस्तों। मेन विशेष बात की एनसीसी होमगार्ड 10 नंबर सिर्फ नॉर्मल कॉन्स्टेबल के लिए मिलने वाले हैं, इस पोस्ट के लिए वो लागू नहीं होंगे, ये बात आप ध्यान में रखना।
अब दोस्तों कुछ और मापदंड की बात करते हैं जो कि जरूरी है पुलिस परीक्षा के अंदर। देखो दोस्तों, एक तरफ मैंने नॉन टीएसपी और एक तरफ मैंने टीएसपी का बायोडाटा लिखा है। सबसे पहले यहाँ पर ऊंचाई आपकी, जो हाइट आपकी मापी जाएगी उसका देखते हैं, फिर आपका सीना वगैरह मांगा जाता है और फिर वजन का भी कुछ इसके अंदर अहम रोल रहेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, ऊंचाई की बात करें, अगर पुरुष की ऊंचाई है अगर नॉन टीएसपी से है तो उसकी 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए कांस्टेबल के लिए, और यहाँ पर महिला की 152। ध्यान से समझना, 168 सेंटीमीटर पुरुष की ऊंचाई है आपकी नॉन टीएसपी के लिए, और नॉन टीएसपी के लिए महिला है उसकी 152 सेंटीमीटर है। ठीक, जो टीएसपी के उन्हें रिलेक्शन दिया गया है, यहाँ पर 160 सेंटीमीटर पुरुष के लिए चाहिए और 145 सेंटीमीटर यहाँ पर महिलाओं को दी गई है टीएसपी एरिया के अंदर। ध्यान रखना, नॉन टीएसपी से कम छूट कम दी गई है। ठीक है, ध्यान करना। सीने की बात करते हैं तो बिना फुलाए 81 होना चाहिए पुरुष का, और फुलाकर पूछे तो 5 सेंटीमीटर प्लस कर देना 86 हो गया है, यानी कहीं ना कहीं 81 है बिना फुलाए, ये तो होना ही चाहिए। उसके बाद में 86 हो गया, यहाँ पर दोस्तों छूट भी दी जाएगी एसटी और एसटी कैंडिडेट को, सीने के अंदर 5 सेंटीमीटर की छूट भी दोस्तों दी जाएगी, लेकिन फुलाना तो होगा 5 सेंटीमीटर ही, छूट कितनी क्यों दी। ध्यान करना इस बात को कि 81 में 5 माइनस कर देना तो वो एस टी एस सी के लिए हो जाएगी, और उसमें प्लस 5 ऐड कर देना फुलाकर, तो यहाँ पे 81 थी बिना फुलाए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर ऐड हुआ तो 86। तो ये सीने का जो बायोडाटा है ये महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा, तो महिलाओं के लिए सीने का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं, उन्हें नहीं मांगा जाएगा। और इसी तरीके से अगर टीएसपी एरिया में देखें तो सीने का जो एरिया है पुरुषों के लिए वो 74 सेंटीमीटर का है, और 5 सेंटीमीटर फुलाकर उन्हें दिखाना होगा जो 79 हो गया। ठीक है, तो हम सारा आपको बताएंगे कि सीना कैसे आपका कम है या ज़्यादा है, फुलाना के सारी चीज़ें सिखाएंगे, चिंता मत करें। और इसी तरीके से महिलाओं के लिए सीने का कोई मैटर यहाँ पर नहीं है। वजन की बात की जाए तो वजन पुरुषों के लिए वजन यहाँ पर मायने नहीं रखता है, कितने भी वजन क्यों ना हो वो एक्सेप्ट होगा, लेकिन महिलाओं का वजन तय किया गया है, जो कि नॉन टीएसपी के अंदर अगर महिलाएं हैं तो उनका वजन 47.5 केजी होना चाहिए, 47.5 किलो वजन होना चाहिए, और यही वजन अगर टीएसपी एरिया में दोस्तों देखा जाए तो 43 किलो होना बेहद ज़रूरी है। ये कुछ मापदंड है ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं, फिर वो आगे जाने से पहले ही बाहर निकल जानते हैं, क्योंकि वो मापदंड ही पूरे नहीं कर पाते। तो एक एक चीज़ लिख लेना दोस्तों, ध्यान करना इस बात को, अगर ऐसा कुछ है तभी जाएं, वरना आप नहीं जा सकते हैं। और जाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ एक पूरी सीरीज चलने वाली फिजिकल के लिए, जितनी भी कमियाँ आपकी है उन्हें पूरा दोस्तों किया जाएगा, कैसे करना है, खाना पीना और विद एक्सरसाइज सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ, चलिए अब दौड़ की बात हम करते हैं, उसके कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। चलिए दोस्तों दौड़ का कुछ देख लेते हैं। रनिंग में आपको पता है, पहले बता देता हूँ, सामान्य जो कांस्टेबल है उनको 15 नंबर मिलेंगे आपके दौड़ के, और चालक जो ड्राइवर है उन्हें 10 नंबर ही दिए जाएंगे, ये बात दिमाग में ध्यान रखना, कहीं भूल जाओ आप। दोस्तों 5 किलोमीटर की यहाँ पर आपकी दौड़ होने वाली है, पहले कोई 10 किलोमीटर हुआ करती थी तो वो भी बच्चे पास किया करते, तो अब तो बहुत कम हो गई 5 किलोमीटर, लेकिन समय सीमा भी उस समय ज़्यादा थी। तो समय सीमा दोस्तों पुरुषों के लिए जो नॉन टीएसपी हैं उनके लिए 25 मिनट के अंदर ये 5 किलोमीटर की दौड़ दोस्तों आपको पूरी करनी है, और महिलाओं के लिए 35 मिनट का समय दिया गया, तो आराम से कवर कर सकती महिलाएं भी। यहाँ पर अगर भूतपूर्व सैनिक का देखें तो 30 मिनट हो गया है, और यहाँ पर टीएसपी एरिया में देखें तो भी 30 मिनट का समय, सॉरी हाँ 35 मिनट दे दिए गए हैं, 30 मिनट। इस तरह से टीएसपी में कुछ रिलेक्शन हैं, लेकिन चाल नॉर्मल के लिए मैंने बता दिया अच्छे से आपको, ये 25 मिनट के अंदर पुरुष कंप्लीट करेंगे 5 किलोमीटर की दौड़, और यहाँ पर 35 मिनट में कंप्लीट करेंगी 5 किलोमीटर महिलाएं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि छूट मिलती है एरिया वाइज मैंने बताया, वो छूट है 30 मिनट पुरुष सैनिकों में 30 मिनट दिए गए हैं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल के मापदंड थे दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। और कुछ बातें जो मैंने बताई, जैसे आइज़ के बारे में मैंने अभी बताएंगे, वीडियोज़ आपका आएगा अच्छे से बताएंगे, एक तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए आपका, घुटने आपके चिपके नहीं होने चाहिए और ज़्यादा खुले भी नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में, तो इसीलिए तो कहता हूँ हमारे साथ जुड़े रहें, कोई भी कमी है पूर्ण करेंगे। हाइट भी मैंने बताया कैसे कुछ मांगी जाती, कितनी मांगी जाती बताई, और पहाड़ी इलाकों के जो हैं शहरी एजेंडे उनको भी कुछ हाइट के अंदर छूट दोस्तों दी गई है, तो वो भी आपको छूट का कुछ मिलेगा बेनिफिट। ठीक है, वो कि एक नोटिफिकेशन विज्ञप्ति में सब कुछ मेंशन है और आपके पास है, वो देख लेना। तो दोस्तों मन लगाकर, जी जान लगाकर तैयारी कीजिएगा, और सही तरीके से आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, ये नहीं कि नहीं मैं कर लूँगा बस मुझे किसी चिंता नहीं है, प्रॉपर एक गाइड की जरूरत दोस्तों बहुत ज़रूरत होती है, बिना गुरु के दोस्तों हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। कितनी दूर चल सकते हैं जब तक मंजिल का रास्ता हमें कोई नहीं बताएगा कि हमारी मंजिल किस दिशा में है, तब तक हम अंधेरे में ही तीर चला रहे होते हैं, ध्यान रखना। जब हम ये बता दें कि आपकी मंजिल इस पूर्व दिशा में है तो हम चल पड़ेंगे पूर्व दिशा में, लेकिन हमें पहले ये नहीं पता कि मंजिल की दिशा में, तो हम चारों दिशाओं में भटकते रहते हैं।
तो वो दिशा एक गुरु ही दिखाते हैं आपको, जो भी आपके गुरु हैं, जिन्हें भी आप मानते हो, उनकी देख रेख में फिजिकल की तैयारी करें। कई बार होता है कि फिजिकल की तैयारी हम कर लेंगे लेकिन फाइनल जब पहुँचते हैं फाइनल डेस्टिनेशन पर, तो वहाँ पर हमें हार का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना है। किस तरह से आपको रनिंग की तैयारी करनी है, किस तरह से आपके फिजिकल के जो मापदंड उन्हें पूर्ण करने हैं, सारे आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, पूर्णतः आपकी हेल्प की जाएगी। और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। कोई भी डाउट अगर आपका है तो पूछ सकते हैं कॉमेंट करके। क्लासें आपके स्टार्ट हो चुकी हैं, हिंदी की भी क्लास आज हो चुकी है, राजस्थान जीके की भी, सब कुछ। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।